ਸਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੈਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਾਈਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਗਾਈਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਗਾਈਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ 28 ਤਰੀਕ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਜ ਸੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਝੂਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ਬਟ अभी मुझे ना थोड़ी एसेसरी नहीं समझ लग रही गाइस मैं एसेसरी नहीं डालती क्योंकि ना मेरे पास ओरिजिनल है नहीं और रियल जो थे वो मेरे लॉकडाउन में हमारे घर एक्चुअली चोरी हो गई थी सारा कुछ हमारा मतलब चोरी ले गए थे कैसे ले गए थे वो स्टोरी पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी जो मोटी मोटी वो शेयर कर देती हूँ गाइस हमारी फैमिली में डेथ हुई थी तो हम सारे उधर गए थे सारा मैं गोल्ड उतार के इस ड्रेसिंग टेबल में सारा गोल्ड उतार के मैं लगी थी और जब मैं आई मुझे कुछ भी नहीं मिला बेड से भी सारा सामान निकाल के ले गए थे तो बाद में वो आपके साथ शेयर करूंगी तो गाइस जिसने भी आना है सोटल के मेले में वो आ सकता है और हम जा रहे हैं मथा टेकने के लिए तो मैं कोशिश करूंगी मेले का ब्लॉग बनाने के लिए कि आपको दिखा सकूं मैं कैसा रश है और कैसे ज्यादा अभी तो फिलहाल आप आना चाहते हो अभी ठीक है मतलब ज्यादा वो नहीं है क्या बोलते हैं उसको रश बट 28 तारीख को बहुत ज्यादा रश हो जाएगा तो आप कोशिश करो कि आप अभी आ जाओ मथा टेकने के लिए हम भी जाने वाले हैं आज या कल में जाएंगे हम जाते हैं एक्चुअली गए रात को मथा टेकने के लिए क्योंकि इस टाइम ना बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को ठीक लगता है या समझ नहीं लग रही गाइस कौन सी एसेसरी डालूं क्या डालूं तो गाइस सारे रेडी हो चुके हैं मैं ही लेट लतीफ हूं जो मैं होगी हूं तो फटाफट क्या डालूं गाइस मतलब गले में कुछ जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि बट कानों में जरूरत होते पर मेरा आर्टिफिशियल मुझे सूट नहीं करते बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए नहीं डालती तो चलो हम चलते हैं चुन्नी कैसे लूं आई थिंक गाइस ऐसे सुंदर लगेगी गाइस एक सूट करा देता हूँ वैसे कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना मेरा सूट मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगता है बट मैंने ये वाला सूट नहीं डाला था मैंने सूट डाला है एक्चुअली ना मैं कल कहीं गई थी तो मैंने ये वाला नेल पेंट सेम लगाया था तो मेरे को नेल पेंट मेरा बिल्कुल सेम है सूट के साथ का अलमारी जब मैंने खोली तो मैं तो यही सूट डाल लेती हूँ काफी अच्छा भी लग रहा है काफी टाइम हो गया डाला भी नहीं ये लास्ट मैंने डाला था करौ चौक पे लिया था गाइस मैंने सुबह सर्दी के लिए तो मैं नेल पेंट के पीछे ये वाला सूट डाला है गाइस आप भी ऐसा करते हो कि नेल पेंट चेंज ना करना पड़े या मेरे पास चेंज करने की बात नहीं थी मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है तो सारे एक्चुअली निकल चुके हम रह गए बाहर खड़े हैं पुनीत और उत्कर्ष वेट कर रहे हैं मेरा हो गई मैं चप्पल तो डाली नहीं वेट मेरे को रुको गाइस नवा से आपा पै चुका आपा निकलन लगे सी गड्डी पेंचर साड़ी ते हवा पुनीत भर रहे ने पंजाबी निकल गई कोई गल नहीं उत्कर्ष कम 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 हेलो कर दो गाइस को पूछो कैसे हो गाइस बताओ कैसे हो कमेंट करके तो गाइस हवा भर रहे हैं कार में नहीं भर रहे टायर में भर रहे हैं बाद में कमेंट मत करना कि हवा कार में भरी जाती है टायर में क्या बोल रही हूँ मैं टायर में भरी जाती है कार में नहीं तो गाइस निकलते हैं हवा भर के फिर आगे से कहीं पंचर लगवाएं पता नहीं पंचर है कि हवा कम है गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और कार में हवा भी भर चुकी है कार में नहीं टायर में सो गाइज ये मेरी फाइनल लुक है ऐसे चुन्नी को मैंने मतलब हाथों के ऊपर लिया है और मैं चप्पल डालना गाइज भूल गई थी तो मैं वापस आई हूँ फटाफट चप्पल डालने के लिए हम निकल रहे हैं सो मिलते हैं आपको मासी के घर पे गाइज हम आए हैं शॉप पे प्रसाद लेने के लिए मतलब लड्डू लेने के लिए मामू आए हैं तो अभी समझ नहीं लग रही मामू को कौन से वाले लूँ ये वाले लूँ कि वो वाले लूँ नाम मुझे पता नहीं है तो हम लेने आए थे ताज यहाँ पे मतलब मोदक लेने के लिए हमें मोदक तो नहीं मिले लड्डू ही मिले तो हमने लड्डू ही ले लिए यहाँ पे ग्रोसरी कितनी अच्छी है गाइस देखो सारा कुछ यहाँ ताज मिल जाता है जलंधर ताज मुझे नाम नहीं एक्चुअली लोकेशन नहीं इधर प्रॉपर पता बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है मुझे आके मतलब जैसे किसी ने पैकिंग लेनी किसी घर जाने के लिए चिप्स कुरकुरे वगैरह जो पैकिंग बनी होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आप आना चाहो गड़ा पड़ता है नहीं सॉरी यार गड़ा नहीं पड़ता मुझे नहीं पता क्या पड़ता है एक्चुअली में भूल गई हुई लोकेशन जो नई हवेली ना कीरो वाली हवेली वो वाला रोड है ताज तो वहाँ से हमने लड्डू ले लिए तो हम निकलते हैं प्रसाद लेके मासी के घर
गाइस मामू लड्डू लेके आ रहे हैं और मैं निकल रही हूँ क्योंकि लेट हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब हम ही हैं लेट, बाकी सब पहुँच चुके हैं। कहते तू कार में जाके बैठ, मैं बिल करा के आता हूँ। और तो मैं निकल चुकी हूँ कार में बैठने के लिए। और हमें सबको मतलब हर बार ही मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम ही लेट होते हैं, बाकी सब जल्दी पहुँच जाते हैं। मतलब हम रेडी भी नहीं होते इतना, फिर भी हम पता नहीं क्यों लेट, हमेशा लेट हो जाते हैं। आना आपकी जगह नहीं है, सब जगह है, मामू भी आ रहे हैं। आगे जल्दी जल्दी। ए अर्बन स्टेट पड़ता है, मुझे पता नहीं था। ए है ताज, बहुत ही अच्छा है। गाइज हम सब ने बहुत रौनकें लगाई, बट मैं मतलब आपको दिखा नहीं सकती कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम डोला और डोला डोला मंडोला क्या है वो गाना, उसके ऊपर डांस कर रहे थे, पर किसी से ना स्टेप नहीं बन रहे थे। तो कहते नहीं, मतलब स्टेप तो बन रहे थे बट वो किक नहीं आ रही थी। गणेश जी के गानों पर सब डांस कर चुके हैं, बहुत इंजॉय करे, किक नहीं आ रही। कहते गणेश जी का कुछ ऐसा लगाओ जिसमें किक आए। तो सब यहाँ पर हम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टेप बना रहे थे, तो स्टेप किसी को समझ ही लग रही थी। सब एक्चुअली थक चुके थे, तो हमें किसी को कुछ नहीं समझ लग रही। इतना इंजॉय किया, इतना मज़ा आता है ना, सीरियसली। अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे हो जाओ, मतलब हमारी सारी सिस्टर्स और मामियाँ मासियाँ सबके साथ इतना इंजॉय कर रहे, फ़न कर रहे थे बेसिकली। हम डांस भी क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। दीदी सबसे ज़्यादा हमारे घर में रौनक लगाते हैं, मतलब दीदी को जौन से मर्जी गाने पर डांस करा लो, पर हम सबसे इतनी जल्दी स्टेप नहीं बनता। दीदी से जौन से मर्जी गाने पर स्टेप बना, मुझे पता नहीं था कि विसर्जन भी आज ही है। एक्चुअली मेरी इतनी बात नहीं हुई, कहते वो जो गणेश जी है वो क्ले के आई थिंक बनवाए हैं, तो विसर्जन भी यहीं पे करना है। टप के अंदर कच्ची लस्सी बना के रखी है उन्होंने, इसके अंदर फूल डाले, इसके अंदर विसर्जन करने हैं। कहते हमने ब्यास नहीं जाना। एक्चुअली 10 इंच से जब छोटी मूर्ति घर में लेके आओ ना, तो आप घर पर कर सकते हो। जब उससे बड़ी होती है तब ब्यास जाना होता है। तो विसर्जन भी अभी है गाइस, मैं आपको स्पेशली बताने बाहर आई हूँ। तो गाइस बाहर डांस कर रहे हैं, अंदर सारा इंजॉय कर रहे हैं। तो आप आरती करने लगे तो मैं आपको आरती दिखाती हूँ। चलो मिलवाते हैं अपनी सारी फैमिली से। ये मेरे मामी जी और ये दीदी भी, आप इन सबको जानते हो, इसको भी जानते हो, सन्नी। और ये सारी मेरी मासियाँ बैठी हैं, और ये सारी गणपति की तैयारी है, सारी गुड्डू ने की है, मासर जी ने मिलके की है। ये सारे मतलब हम यहाँ पे तैयारी हो रही है, किचन में सारी आरती की तैयारी हो रही है। ये देखो आरती शुरू हो चुकी है, और सारे पीछे गुड्डू बहुत सैड थी क्योंकि गुड्डू लेके आई थी गणेश जी को अपने घर। इतनी सेवा की गुड्डू ने कि आप सोच नहीं सकते। बाकी जो रखते हैं उनको पता होगा, हम कभी लेके नहीं आए। तो पूरी तैयारी, पूरे मन से सेवा गुड्डू ने की है। तो जो भी गुड्डू ने मांगा हो तो भगवान जी उसको ज़रूर देंगे गाइज। और गाइज उत्कर्ष बहुत ज़्यादा रो रहा है, रूम में है, और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मतलब फ़ैन बंद किए हुए हैं क्योंकि आरती शुरू हो चुकी है। तो ये हमारे गणेश जी का प्रसाद है सारा, और उत्कर्ष ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। मुझे लगता नहीं मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी, आरती में आने का नाम ही ले रहा है। मैंने कहा आरती में आ जा, आरती करके फिर आप खेल लेना, एक्चुअली बच्चों के साथ वो बिज़ी है। कहता नहीं मैंने नहीं आना, मैंने यहीं पर रोना, पता नहीं किस चीज़ के लिए ज़िद्द कर रहा है वो मुझे। एक दूसरों के बच्चे की कार है, बस इसी के लिए ज़िद्द कर रहे हैं। तो मैं कहा चलो पुनीत, तो सारे कहते कोई बात नहीं, तुम हस्बैंड वाइफ आरती करो, बेटे को रहने दो, वो खेल रहा है। तो हमने था कि उत्कर्ष के साथ करेंगे, तो सबने कर ली और हम दोनों ही रह गए थे। मतलब अभी बहुत ही अच्छा लगा गणेश जी की आरती करके। ये हमारे मोटू पतलू, मतलब दोनों मोटू मोटू हमारे बच्चे, और सारे आरती कर चुके हैं। मम्मी की वाली, मम्मी अकेले नहीं कर सकते तो मम्मी को लेके आए, फिर हमने मम्मी को भी आरती कराई। इसके बाद गुड्डू ने लगाया भोग, जो कि प्रसाद था गणेश जी लेके आए थे। तो बहुत, ये देखो गुड्डू कितने प्यार से प्रसाद लगा रही है गणेश जी को। एक्चुअली गुड्डू थोड़ी
सैड थी कि गणपति विसर्जन अभी बस होने वाला ही था, इसलिए वो सैड थी। तो उसके मुझे लगता हाथ भी नहीं काम कर रहे थे, इसलिए गुड्डू की भाभी ने, नेहा भाभी ने मतलब हेल्प की। तब गुलाल लगा रही है गुड्डू गणेश जी को, सारी वॉइस ओवर गाइज कर रही हूँ। इतना मज़ा आ रहा था वॉइस ओवर, क्योंकि पीछे सॉन्ग चल रहे हैं इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और गणपति जी को कहते ऊपर लेके जाते हैं अपने घर में, जब लास्ट टाइम मतलब जब गणपति को विसर्जन करने जाते हैं तो उससे पहले पूरे घर में गणपति जी को घुमाते हैं। तो सन्नी गया है गणपति जी को ऊपर लेके, यहाँ तो नीचे पूरा गणपति जी को घुमा लिया था, तो बिल्कुल ऊपर तक कहते घुमा के लेके आते। मुझे नहीं पता, कभी हम लेके नहीं आए, गणेश जी ऐसा हमें मौका मिला तो हम जरूर लेके आएंगे। सीरियसली इतनी खुश थे ना वहाँ पर, बहुत मज़ा आया। मतलब गुड्डू तो हमसे ज़्यादा दुखी होगी क्योंकि वो इतनी श्रद्धा से लेके आई थी ना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओ गाइस, हो गया गणेश जी का विसर्जन। गाइस सन्नी को भी कुछ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम लेके आया था, तो मास्टर जी को पता है, तो मास्टर जी सन्नी को गाइड कर रहे थे कैसे कैसे सारा कुछ करना होता है। तो एक्चुअली बहुत ही मज़ा आया गाइस। गाइस यहाँ पे गणपति विसर्जन के बाद सारे यहाँ पे बैठ के खा पी रहे हैं, साथ में इंजॉय कर रहे हैं, साथ में वो टप्पे टाइप, क्या बोलते टप्पे बोलते, समझ लो आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, थोड़ियाँ सारे फैमिली बैठी है और इंजॉय कर रही है, मतलब काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं तो इंजॉय कर रहे हैं। जीजू इंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ फिर? हेलो आकाश, इंजॉय कर रहे हो? और यहाँ पे बॉयज की पार्टी हो रही है वहाँ पे, उत्कर्ष को देखो डांस कर रहा है अपने ब्रदर्स के साथ। ये देखो और सीढ़ियों में बैठे हैं आराम से चिल मार रहे हैं उर्वी एंड मृदुल, और मासड़ जी सारे अंदर बैठे हैं, जो बड़े हैं हमारे घर के सारे अंदर बैठे हैं। और श्रेया यहाँ पे सबकी सेवा कर रही है। ये देखो हमारी बच्चा पाती, ओ गाइस दीदी को देखो कितना इंटरेस्ट लेके गा रहे हैं। शादी वाली फीलिंग आपको आ रही है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है। Yeah.
गाइज हमारा गणपति विसर्जन पूरा हो चुका है, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया। तो कितने कम से कम, मतलब मेरी शादी के बाद सेकंड टाइम इकट्ठे हुए हैं हम, बहुत मजा आया। मतलब गुड्डू ने रखे थे, मतलब मेरी मासी की बेटी ने फर्स्ट टाइम रखे हैं गणेश जी, तो हर तीन, मतलब कंटिन्यू 3 साल लेके आने पड़ेंगे, तो हर साल हम इकट्ठे होने वाले हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आया। तो गाइस सोडल का ब्लॉग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं सोडल का ब्लॉग बनाऊँ यहाँ पे हर साल। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, बाबा सोडल जी हमारे यहाँ हर साल मंदिर मेला लगता है, तो आप चाहते हो तो मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ, बहुत बड़ा होता है। कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट डालने की मैं गई तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। Bye.